अपने व्यवहार को थोड़ा सा बेहतर बनाओ। अपने व्यवहार और सोच को जब आप बेहतर बनाएंगे तो औरों के दिल में जगह बनाएंगे। अपने द्वारा छोटा सा ही सही पर सहयोग जरूर करते रहो, क्योंकि आपका छोटा छोटा सहयोग दूसरों के दिल में आपके लिए जगह बनाता है। आपका छोटा छोटा सहयोग दूसरों के दिल में आपके लिए जगह बनाता है। रामायण की एक बहुत प्यारी कहानी है, इतनी जीवंत कहानियां कभी कभी हुआ करती है। और कहानी है एक गिलहरी की कहानी, जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, सीता के शील को बचाने के लिए जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए अपनी योजना बनाई तो सबसे बड़ी समस्या थी समुद्र को पार करना। और तब राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ। राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ, नल और नील पत्थरों पर राम राम लिखकर पत्थरों को पानी में छोड़े जा रहे थे। सारी वानर सेना लगी हुई थी पत्थरों का पुल बनाने में कि तभी एक गिलहरी कहीं से प्रकट होकर आई। वो आती मिट्टी पर, पहले जाती समुद्र के पानी के पास, पानी में अपने तन को गीला करती और उसके बाद आती मिट्टी पर और आकर शरीर से मिट्टी चिपकाती और फिर जाती जहां पर वो पुल बन रहा था। पत्थरों को रख रख कर समुद्र में पुल बनाया जा रहा था, वो उस पत्थरों पर जाती, अपने शरीर को झंझोड़ती, जोर से झंझोड़ती, मिट्टी नीचे गिराती, फिर आती पानी में शरीर को गीला करती, फिर जाती मिट्टी पर शरीर की मिट्टी चिपकाती, फिर आती पुल पर और मिट्टी को झंझोड़ कर गिराती रहती। बार बार ये क्रम चल रहा था, पानी, पानी से मिट्टी, मिट्टी से पुल और पुल पर आकर शरीर को झंझोड़ना और सारी मिट्टी को गिराना। सुबह से सांझ तक वो गिलहरी यों ही लगी रही। सांझ को भगवान श्री राम खुद आए, बनते हुए पुल और सेतु का निर्माण होते को देखने के लिए खुद आए और उन्होंने देखा कि वानर सेना के साथ साथ छोटी सी गिलहरी भी बार बार पुल पर जा रही है, बार बार सेतु पर जा रही है, पानी में जाती है, मिट्टी पे जाती है, पत्थरों पर जाती है, झंझोड़ती है, वापस आती है, लगातार उसका यह क्रम चल रहा है। राम ने हनुमान से कहा, देखो तो ये छोटी सी गिलहरी क्या कर रही है बेवकूफ कहीं की, इसको इधर लाओ तो। और तब हनुमान गिलहरी को पकड़ के हाथ में लेकर आए। गिलहरी ने मन ही मन कहा, प्रभु सौभाग्य आज हनुमान का हाथ तो हाथ लगा। और तब गिलहरी हनुमान अपने हाथ में लेकर राम के पास आए। राम ने अपने हाथ में गिलहरी ली और कहा, गिलहरी तुम कैसी ये पगलाई कर रही है, सुबह से ये सब बता रहे हैं कि तुम बार बार पानी में जाती है, मिट्टी में जाती है और पत्थर पर जाकर अपने शरीर को झंझोड़ रही है, कौन सा काम तुम कर रही है। कहा, भगवान जो सीता के शील को बचाने के लिए, किसी नारी के शील को बचाने के लिए राम के द्वारा जो महासंग्राम छेड़ा जा रहा है, मैंने सोचा कि मैं और कुछ नहीं कर सकती, मैं भी थोड़ा सा सहयोग तो कर सकती हूं ना। और मैं सहयोग ये कर रही हूं भगवान कि बार बार पानी में जाती हूं, मिट्टी में उठा नहीं सकती, इसलिए अपने शरीर से चिपकाती हूं और जाकर उस पत्थरों पर गिराती हूं ताकि दो पत्थरों के बीच में जो दरार है वो दरार फट सके। दो पत्थरों के बीच में मैं और कोई सहयोग नहीं कर सकती, पर इतना तो सहयोग कर सकती हूं कि राम और लक्ष्मण और उनकी सेना जब इस रास्ते से गुजरे तो उनके पांव में पत्थर न चुभे, इसलिए मैं ये बार बार मिट्टी लाकर डाल रही हूं, दो पत्थरों के बीच की ये जो दरारें हैं इनको पाट रही हूं ताकि आप जब इस रास्ते से जाएं तो आपके पत्थर न चुभे। अरे राम ने कहा, गिलहरी तू तो गजब की निकली, पर एक बात तो बता, ये रही इतने वानरों की सेना, अरे किसी वानर के नीचे आकर पांव के नीचे दबकर तू मर गई तो, ये दिन दिन भर तू करिए, तू ठहरी छोटी सी गिलहरी और ये इस तरह से बार बार मिट्टी डालिए, किसी वानर के पांव के नीचे आकर मर गई तो। गिलहरी ने कहा, प्रभु ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। और तब ये होगा, रामायण के इतिहास में लिखा जाएगा कि सबसे पहले संग्राम में मैं कहा, किसी नारी के शील को बचाने का जो संग्राम चला उस संग्राम में, उस युद्ध में मैं सबसे पहले काम आई। और तब राम ने उस गिलहरी को अपने होठों के पास लेकर आए, प्रेम से पुचकारा और बहुत प्यार से उसके शरीर पर यूं सहलाया। आज भी अगर आप देखेंगे तो ये तीन अंगुलियों के निशान गिलहरी के शरीर पर आपको नजर आ जाएंगे। वो एक निशान कोई सामान्य निशान नहीं, वो गिलहरी के छोटे सा सहयोग जो राम को दिया गया था उसका निशान। यदि भला किसी का
कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। हाँ मेरे भाई, यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का। भगवान ने जिसको भी कंठ दिया है, जिसको भी जबान दी है, ये बहुत प्यारा गीत है, इंसानियत से जुड़ा हुआ गीत है, मानवता से जुड़ा हुआ गीत है, आदमी की सोच को ऊंचा उठाने का गीत है। सब गाएंगे, मैं गाऊंगा, आप गाएंगे, हर कंठ गाएगा और अपने आप को धन्य करेगा। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाने से डरना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। बहुत प्यार से मीठी मीठी ताली ले लो, संगीत का आनंद। देखो भाई, ईश्वर की आराधना में, ईश्वर की भक्ति में, प्रभु की आराधना में, दिव्य भजनों को गाते हुए अगर कोई व्यक्ति ताल पर ताल देता है, मिठास से अपनी ताली का संगीत देता है, तो एक बात ध्यान रखना, उसकी जो हाथ की रेखाएं है ना, भाग्य की रेखाएं, वो सुधर जाया करती है, उसके हाथ केशरीय हो जाया करते हैं, और अगर कोई कंवारा हो तो उसके हाथ पीले हो जाया करते हैं। बजा के देख लो। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। यदि सत्य मधुर ना बोल सको तो झूठ कठिन भी मत बोलो। यदि सत्य मधुर ना बोल सको तो झूठ कठिन भी मत बोलो। मौन रखो सबसे अच्छा, यदि मौन रखो सबसे अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। यदि मौन रखो सबसे अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो तो पहले तुम तो लो, बोलो तो पहले तुम तो लो, फिर मुख दरवा खोला करना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि घर ना किसी का बांध सको तो जय हो जय हो। यदि घर न किसी का बांध सको तो झोंपड़ियां न जला देना। यदि घर न किसी का बांध सको तो झोंपड़ियां न जला देना। यदि मरहम हो, यदि मरहम पट्टी कर न सको तो झाव नमक न लगा देना। यदि मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि घर न किसी का बांध सको तो झोंपड़िया न जला देना। हो यदि घर न किसी का बांध सको तो झोंपड़िया न जला देना। यदि मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। यदि मरहम पट्टी कर न सको तो
खार नमक न लगा देना, यदि दीपक बन कर जल न सको। जय 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 हो। यदि दीपक बन कर जल न सको तो, दीपक बन कर जल न सको तो अंधकार भी मत करना। यदि दीपक बन कर जल न सको तो अंधकार भी मत करना। बोलो। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि फूल नहीं बन सकते तो कांटे बन कर न बिखर जाना। यदि फूल नहीं बन सकते तो कांटे बन कर न बिखर जाना। मानव बन कर सहला न सको, मानव बन कर सहला न सको तो दिल भी किसी का न दुखाना। मानव बन कर सहला न सको तो दिल न किसी का दुखा जाना। यदि देव नहीं बन सकते तो दानव भी कभी भी मत बनना। यदि देव नहीं बन सकते तो दानव भी कभी भी मत बनना। यदि भला किसी का, सबको आता है ना, हर इंसान गाएगा, हर महिला गाएगी, हर पुरुष गाएगा इस गीत को। यदि भला किसी का, संगीत धीमे कर दो तो लोगों की आवाज सुनेंगे। मत करना यदि भला किसी, याद रखना हमेशा, बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। तो आओ हम संकल्प करें, हम अपनी जिंदगी से अच्छे व्यवहार को बाहर निकालते हैं और अच्छे व्यवहार को जिंदगी में जगह देते हैं। आओ हम अपने दो कदम आगे बढ़ाएं। अच्छा व्यवहार बहुत कर चुके, पता नहीं हम कब क्या कर बैठे, हमें खुद को नहीं मालूम। काम पड़ने पर अपने ही भाई के साथ भी हम अच्छा व्यवहार कर गए, काम पड़ने पर अपनी भाभी के साथ, अपनी ननन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने व्यापारी और परिजनों के साथ, अपने समाज और ट्रस्ट और मीटिंगों में भी काम पड़ने पर हम अच्छा व्यवहार कर गए। याद रखना, अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति लोगों के दिल से उतरता है और अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति लोगों के दिल में उतरता है। इसलिए अपनी जिंदगी से अच्छे व्यवहार को निकालो, अच्छा व्यवहार करो और हमेशा मेरे भाई बड़प्पन दिखाने की कोशिश करो।